आज हम देखेंगे कि हम कैसे जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हम कर सकते हैं अपना मीटिंग्स किस तरह से बना सकते हैं, टीम्स के ग्रुप्स किस तरह से बना सकते हैं और उन टीम्स को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये स्क्रीन शेयर कर ली है, अभी यहाँ पे हम जाएंगे। ठहरे, पहले तो कैलेंडर से बताई थी ना, कैलेंडर से मीटिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं बताने लगी हूँ टीम्स। आप बॉटम में देखें तो एक्टिविटी है, चैट है और टीम्स का ऑप्शन है। टीम्स में आप जाएंगे, उसको आपने प्रेस करना है। ठीक है जी, प्रेस करेंगे, ये ब्लू सा हो गया टीम्स। अब आपने ऊपर कॉर्नर पे देखे तो आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं और टीम्स लिखा हुआ है। वहां पर आप प्रेस करेंगे तो मैनेज टीम्स, क्रिएट न्यू टीम, ब्राउज टीम एंड ज्वाइन टीम विद अ कोड आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू टीम करना है। न्यू टीम में आप जो है, अब जैसे अभी हम ट्रेनिंग के लिए कर रहे थे तो हमने क्लास का ऑप्शन लेना है। वीपीएसटीज को आपने ट्रेनिंग देनी है, वो क्लास के ऑप्शन से देनी है। अब हम अपनी टीम को कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि एसएनसी ट्रेनिंग PSTs। हसन अब्दाल, ये नेम दे लिया। अब जो बंदा क्रिएट करेगा वो टीम का ओनर होगा। यहाँ पे देखें टीचर्स और साथ में आ रहे स्टूडेंट्स का ऑप्शन। ठीक है जी, तो आप जो जो भी स्टूडेंट इसमें ऐड करेंगे उसका नेम आपने एंटर करना है। तो जो PSTs की लिस्ट आप को मिलेगी, यहाँ से आपने उसका नेम एंटर कर लेना है। मैं यहाँ पे किसी को तो भी फिलहाल वैसे ही रैंडमली ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि लिस्ट तो भी मेरे पास नहीं है। तो ये सर अब्दार के कुछ टीचर्स को मैंने स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को ऐड कर लिया। ये कहेगा प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, तो आपने जितने स्टूडेंट्स ऐड करने होंगे आप कर लेंगे। ये देखिए एसएनसी ट्रेनिंग पीएसटीज वाली मेरी टीम क्रिएट हो गई है, दूसरे नंबर पे नजर आ रही है। अब इसकी मैं सेटिंग चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं जो है इसमें मैनेज मेंबर्स पे अगर जाऊंगी, ये देखें, तो अब इसमें जो है ओनर में मैं खुद आ रही हूँ और साथ में जो मैंने ऐड किए हैं पर्सन। अब मैं ओनर किसी और को भी बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। यहाँ पे जो बटन में प्लस का साइन है, इससे आप मजीद पीएसटी जो होंगे उनको एज अ स्टूडेंट ऐड करेंगे, और जो आपके साथ को ट्रेनर्स हैं उनको आपने स्टूडेंट में नहीं टीचर में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ और लोगों को भी ऐड कर लेती हूँ। चलें, जो ही मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं मैं किसी को भी कर लेती फिलहाल वैसे। जस्ट ये देखें, ये टीम में मेरे पास लोग ऐड हो गए। अब मैं फिर ये बटन वाले प्लस पे अगर देखूं तो यहाँ से मैं टीचर्स ऊपर, पहले स्टूडेंट ऊपर सिलेक्ट हो, मैं टीचर्स के ऊपर क्लिक करूंगी। अब मैं देखें, पहले स्टूडेंट वाला था, उसमें आप स्टूडेंट का नाम एंटर करेंगे तो वो एंटर हो जाएगा। स्टूडेंट में आपने किन को ऐड करना है, पीएसटीज को ऐड करना है जिनको आपने ट्रेन करना है, और टीचर्स में आप किसको ऐड करेंगे, जिनको आपने एज अ को ट्रेनर साथ रखना होगा। तो यहाँ पर मैं किसी को भी अपने साथ एज को ट्रेनर लेती हूँ। ये ठीक है जी, इनको मैंने टीचर्स में ऐड कर दिया। ये देखिए, अब हम टीम में फोर लोग हो गए हैं, और अब यहाँ पे ओनर्स में मेरा अपना आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं जिसको भी चाहूँ यहाँ पर मेरे पास अभी आ रहे ओनर्स में, लेकिन ये आ जाएगा क्योंकि जिसको मैंने देखे आ गया। जिसको आप टीचर में रखेंगे ना तो वो एज अ ओनर ही आएगा, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो एज अ ओनर नहीं आएंगे। तो ये जो एंड में नेम लिखा हुआ, ठीक है, काशिफ नजीर, ये मैंने ओनर में इनको डाल दी और खुद मेरा ओनर में आ रहा है। अब मैं जितने स्टूडेंट ऐड करना चाहूंगी तो प्लस के ऑप्शन से उनको ऐड करती जाऊंगी, जितने टीचर्स ऐड करना चाहूंगी तो वो भी ऊपर से टीचर सेलेक्ट करके ऐड कर लूंगी। मैंने वैसे ही ऐड कर लिया किसी को, ये प्रोसेस करेगा और ये ऐड कर लेगा। तो
ये नहीं है कि आप हर दफा एक ही स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इकट्ठा प्लस पे जाएं, एक का नाम लिखें, फिर कर्सर आ जाएगा, फिर दूसरे का करें। ये देखें एक का किया, अब कर्सर आ रहा है, फिर किसी और को कर लें, ये किसी और को कर लिए। तो जितने लोगों को करते जाएंगे आखिर में टिक पे कर दें, उतने स्टूडेंट्स वो आपके ऐड होते जाएंगे। अब मैंने वैसे ये रैंडम लिखी है, मैं इन लोगों को जानती नहीं हूँ जो मैंने स्टूडेंट्स में ऐड डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर्स में आप टीचर्स को ऐड कर लेंगे। ये हमारी टीम मैनेज हो चुकी है, इसमें मैंने 9 लोगों को ऐड कर लिया, तो ये आपकी टीम बन गई है। अब आप फिर वही 3 डॉट्स पे जाएं और अब आप जो है इसको एडिट टीम पे जाएं। एडिट टीम्स में आपने नेम लिखा हुआ था, अब आप यहाँ पे इसकी पिक्चर चेंज करें, डीपी जो भी आप लगाना चाहते हैं इसकी अपनी टीम्स में। गैलरी में से मैं वैसे ही रैंडमली कोई पिक उठा लूंगी, फिलहाल तो कोई मेरे पास ऐसे कुछ सेव नहीं है, बट मैं साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस के हिसाब से कोई अच्छी सी पहले पिक्चर जो है वो सेव कर लूंगी अपने पास, ताकि जो मेरी साइंस की ट्रेनिंग के लिए जो मेरे पास PhDs आएंगे तो मैं उनका उस हिसाब से टीम का नेम होना चाहिए। ये जी हो गया, डीपी भी चेंज हो गई है, नेम वही है, मेंबर्स ऐड हो गए हैं। अब जो है इस टीम में और क्या चीजें हैं वो जरा साथ देख लेते हैं। इसमें आप मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं, जिनको आप जो ओनर बनाना चाहते हैं, अटेंडी बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटर बनाना चाहते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, टीम लीव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पूरी की पूरी टीम को डिलीट भी कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शंस हैं। अब ये बात है नेक्स्ट स्टेप के, हमने जो है अब ये टीम तो बना लिया, लोग भी ऐड कर लिए, अब हम इस टीम में अगर मीटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलेंडर से, मैंने पहले भी बता दिया था कैलेंडर से कैसे करते होते, कैलेंडर आप बॉटम में देखो, असाइनमेंट के साथ कैलेंडर है, वहां पर जाकर आप बॉटम में प्लस है, प्लस के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इस टीम में आप कौन सी मीटिंग करवाना चाहते हैं? SNC साइंस की मीटिंग है फिलहाल, वो लिख लिया। अब ऐड पार्टिसिपेंट्स है, तो आपके पार्टिसिपेंट आपकी जब टीम में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, फिर आपको पार्टिसिपेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब आप डायरेक्ट कैलेंडर के थ्रू करते हैं तो फिर आपको पार्टिसिपेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी बाय नेम, जैसे मैंने पहले इधर टीम में ऐड किया, वो भी बाय नेम इसमें भी ऐड हो सकते हैं कैलेंडर में भी। लेकिन अब हमारे पास टीम है, मेंबर्स ऐड हैं, तो अब हम यहाँ पे शेयर टू द चैनल पे करेंगे। अब हमें अलग अलग मेंबर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम पूरे के पूरे मेंबर चैनल से उठा लें। और मैंने कौन सा चैनल कह दिया, मैंने कहा SNC ट्रेनिंग PhD जैसा नबदाल वाला चैनल ले लो, तो वो जो है उसने वो चैनल ले लिया। अब ये देखिए वो चैनल यहाँ पर आ जाएगा, शेयर टू अ चैनल ओके करेंगे इंडिविजुअल करने के बजाय, और वो चैनल सिलेक्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठहरे 1 सेकेंड। नहीं, अब हो चुका है। मैं बैक करती हूँ तो यहाँ पर चैनल में वो आ जाना चाहिए टीम्स वैसे तो। नो, लेट मी चेक इट। एड अ चैनल SNC वाला आया या नहीं आया? नेट स्लो है, क्या इश्यू है वैसे तो? हाँ जी, आ गया SNC ट्रेनिंग, ठीक है, PhDs, मैंने उसके ऊपर जनरल के ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया, नेट थोड़ा स्लो था तो टाइम लेता। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरी इस टीम में वो वाली जो मीटिंग जो मैंने साइंस के सब्जेक्ट के लिए रखी है वो कितनी देर की होगी, या अगर मैथ के लिए भी है, ठीक है, साइंस मैथ में एक ही जैसा ग्रुप होगा टीचर्स का, तो वो जो है वो कितने दिन होगी और कब होगी? तो मैं कहती हूँ ये मैंने रखनी है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने 5 जुलाई को रखनी है, ओके कर दूंगी, ठीक है। टाइम कैसे सेट करना है वो पहले ही हमें पता है, हम सामने टाइम पे जाएंगे, 11 AM लिखा हुआ है, तो आप 10 फॉर एग्जाम्पल करते हैं, 10 हो गया, ऊपर से AM PM जो भी ऑप्शन हैं वो आप चेंज कर सकते हो, ओके कर देंगे, तो ये 10 AM to 10:30 AM हुआ। अब मैंने जो एंड होने का टाइम है वो भी चेंज कर दूंगी, और मैं कहती हूँ कि एंड हो जी ये 12 बजे, 12:30 नहीं, फिक्स 12 बजे एंड हो जाए, और 12 PM पे एंड हो जाए, तो ये
एंड हो गई है, एंड का टाइम मैंने सेट कर लिया। अब इसमें आप 2 दिन 3 दिन जितने दिन की मर्जी रखना चाहें, ठीक है, आपने 3 दिन ट्रेनिंग देनी है तो 3 दिन का टाइम रख लें, और आप इसमें ऊपर जो है वो ऊपर वाले कॉर्नर पे जो टिक है उसके ऊपर प्रेस कर देंगे, तो आपकी जो टीम है उसमें ये वाली मीटिंग क्रिएट हो चुकी है। जी मैंने 5 जुलाई का इवेंट क्रिएट किया था, ठीक है जी। अब ये देखें कैलेंडर में 5 जुलाई को मेरी मीटिंग आ रही है एसएनसी ट्रेनिंग पीएसटी हसन अब्दाल वाले ग्रुप में आ रही है, ठीक है। मैं इस पे ज्वाइन कर करती हूँ तो मैं यहाँ से ज्वाइन हो सकती हूँ, ठीक है जी। ज्वाइन नाउ करें और ज्वाइन हो जाए, बट फिलहाल तो मैं एक और मीटिंग में ज्वाइन हुई भी हूँ। तो यहाँ पर यही वाला सारा प्रोसीजर था हमारा, अपनी टीम्स को कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे मेंबर्स को ऐड करना है, कैसे टीचर्स को ऐड करना है, कैसे उसकी डीपी को चेंज करना है, और साथ में कैसे हमने उसमें मीटिंग क्रिएट करनी, ये वाली चीजें आज हमने देखी हैं। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन।